हिमाचल प्रदेश में 2022 में बहुमत से सरकार बनाने वाली कांग्रेस लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले राज्यसभा चुनाव में हार चुकी है। भाजपा के हर्ष महाजन विजयी रहे। 6 विधायकों के पाला बदलने से निर्मित स्थितियों में राज्य सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। यही वजह है कि प्रदेश में जितना ताप लोकसभा चुनाव का है उससे अधिक विधानसभा की 6 सीटों पर हो रहे उपचुनाव का है। कांग्रेस के लिए सांसद से ज्यादा राज्य सरकार महत्वपूर्ण है। विधानसभा की 40 सीटें जीतने वाली कांग्रेस राज्यसभा चुनाव के बाद 34 पर आ गई है। इस झटके से उबरने के बाद कांग्रेस प्रयास कर रही है कि एकता का संदेश दिया जाए, पर ऐसा लग रहा है कि उसका ध्यान लोकसभा चुनाव पर कम, विधानसभा के उपचुनाव पर अधिक है। वो राज्य सरकार को बचाने के लिए प्रयासरत है। मंडी से निवर्तमान सांसद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पहले ये कहकर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था कि सांसद निधि बांटने से चुनाव नहीं जीता जाता। उनका आरोप था कि मंडी संसदीय क्षेत्र में कोई काम ही नहीं हुआ और कार्यकर्ता निराश बैठा है। अब उनके बेटे व राज्य सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ही चुनाव मैदान में हैं। इस तरह हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भी कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुए। कांग्रेस में भी कांग्रेस ने आनंद शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा। शिमला संसदीय क्षेत्र में भी विधायक पर दाव खेला गया। प्रतिभा सिंह अपने बेटे के ही प्रचार में डटी रहीं। मंडी क्षेत्र में ही उनका अभी तक का कार्यक्रम रहा है। शिमला व कांगड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में मौजूद रही थी। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री भी अपने अपने इलाकों से बाहर प्रचार को नहीं निकल पा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ही प्रचार को जा रहे हैं। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व 5 दिन के लिए हिमाचल में है। मतदान से ठीक पहले शीर्ष नेतृत्व प्रचार को गति देगा। देखना होगा कि उनका कितना प्रभाव होगा। अगर प्रदेश कांग्रेस प्रचार में एकजुटता से काम कर ले तो निश्चित तौर पर इसका लाभ उसको मिल सकता है। जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, 2014 व 2019 में चारों सीटों पर हार चुकी कांग्रेस की राह अब भी कठिन है। इसका सबसे बड़ा कारण राज्यसभा चुनाव के समय सामने आई संगठन की कमियां व धरातल पर पकड़ का कमजोर होना है। दूसरी तरफ विपक्षी दल भाजपा का संगठन सुनियोजित तरीके से अपने प्रत्याशी की जीत के लिए मेहनत कर रहा है। बड़ी बात यह भी है कि कोई फसाद नहीं हुआ।